हम सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आईपीएल का मैच चल रहा है, आपने देखा आईपीएल में भी कोई भी कभी भी सिकंदर हो सकता है। हालांकि हम सब ये मानकर चल रहे हैं और एक तरह से ये धारणा पूरे देश भर में है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है इस बार के लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी तक यह माना जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को इस्तेमाल करती है ताकि जो विपक्षी दल हैं उनके वोट बैंक में वो वोट कटवा के तौर पर या सेंध लगाने के तौर पर काम आ सके। और ऐसे में विपक्षी दलों ने हमेशा असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम को एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही देखा। अब असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और मुसलमान वोट बैंक पर अपना एकाधिकार की बात करते हैं तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया जा रहा है। बिहार में वो अगर अपने उम्मीदवारों और प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं तो क्या कहा जाता है, हर बार कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का काम कर रहे हैं, मुसलमान वोट बैंक को तबाह करना चाहते हैं ताकि एमवाई समीकरण में खला पड़ जाए, आरजेडी और कांग्रेस को काफी नुकसान हो जाए। यही बात महाराष्ट्र में होती है कि महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोट बैंक को एकत्रित करकर एमआईए को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध मारी जाए या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेशनल एनसीपी के वोट बैंक पर सेंध मांग ली जाए। अब सवाल यह उठता है कि जिस पार्टी को बीजेपी के बी टीम के तौर पर विपक्ष की सभी पार्टियों ने हमेशा देखा, इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एमआईएम के साथ और असदुद्दीन ओवैसी के साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी पर कांग्रेस पार्टी क्यों जोर दे रही है कि हैदराबाद की जो लोकसभा की सीट है वहां कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही ना खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा कर रही कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना कोई प्रत्याशी? कांग्रेस पार्टी यहां प्रत्याशी इसलिए नहीं खड़ा करना चाहती क्योंकि इस सीट पर वो चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी जीते। यह करार हो चुका है दोनों पार्टियों के बीच में। भारतीय पार्टी के लिए अब वहां पर जाहिर सी बात है एक अच्छी चुनौती खड़ी हो रही है, क्योंकि अगर वोट बैंक का कंसोलिडेशन होता है मुसलमानों का तो असदुद्दीन ओवैसी को काफी फायदा हैदराबाद की कंस्टिट्यूएंसी मिल सकता है। यहां तक कि सिकंदराबाद में भी हैदराबाद के ट्रेंड पर ही वोटिंग होती है और वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। आप शायद इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए आपको प्रदेश के तेलंगाना प्रदेश के कांग्रेस के प्रमुख की यह बात सुनाते हैं। बीजेपी की बी ए टीम नरेंद्र मोदी आरएसएस, बी टीम केसीआर और सी टीम एमआईएम। इन तीनों का एक ही लक्ष्य है, इन तीनों का एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे। दुखी की बात है, कर्नाटक में कांग्रेस जीते तो असदुद्दीन ओवैसी जी और केसीआर जी दुखी में है। इसका मतलब बीजेपी जीतने के लिए वो लोग कोशिश किए, इसीलिए वो बीजेपी बी टीम के बारे में ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। एमआईएम और उनके नेता और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। यूपी में आपने देखा होगा तो जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ बीजेपी जिस प्रकार से कामयाब नहीं हो पाई अपने एजेंडे में, तो अब ये बीजेपी की जो बी टीम है जो इनकी पार्टनर्स हैं अब उसको बीजेपी ने आगे करने का काम किया है और चाहते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो। तो अभी आपने देखा राहुल गांधी हो, कांग्रेस के अन्य नेता हो, आरजेडी के नेता हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हो, हर किसी की नजर में एमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है साहब। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, यह खबर आपके सामने रख रहे हैं कि अब कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस ने सहयोग कर लिया है असदुद्दीन ओवैसी के साथ, एमआईएम के साथ गठबंधन अब कांग्रेस का हो चुका है हैदराबाद में, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और अब पूरे देश में भी होगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए अब कांग्रेस के बदले हुए सुर क्या हैं। देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन एमआईएम एंड कांग्रेस पार्टी, सो आई एम नॉट इन द रेस, हाईकमांड विल डिसाइड। तो अभी तक तो सिर्फ हैदराबाद की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद थे, खान साहब, लेकिन यह बात अब पूरे देश के लिए लागू होने जा रही है जहां एमआईएम ने तय किया है और कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
इस बात को सार्वजनिक तौर पर अभी सामने नहीं रखा गया है। अब इसके पीछे की राजनीति आपके सामने समझा दूंगा। जरा सोचिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कटुआ कहते हुए विपक्ष ने बीते 10 साल से लताड़ा है, उस पार्टी के साथ आखिरकार क्यों गठजोड़ की बात कही जा रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ये मान रहे थे कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार हैदराबाद में खड़ा होगा और वहां पर अगर बीजेपी के प्रत्याशी को भी खड़ा किया जाए तो वो हार सकते हैं? एडवांटेज देने के लिए कांग्रेस ने वहां पर अपने उम्मीदवार को बैठाया क्यों? अब जरा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी पर बी टीम बीजेपी का होने का आरोप लगाते रहे। बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त ये कहा गया कि 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की MIM ने विपक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी NDA के सामने जो विपक्ष खड़ा है, उसे नुकसान पहुंचाया। और यह इसलिए किया गया क्योंकि मुसलमान वोट बैंक पर सेंध लगा दी गई। RJD और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने चुनाव के बाद यही कहा कि हमें इस बात का नुकसान हो गया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया था और इसकी वजह से आज बिहार में स्थिति खराब हो गई। यही बात हमने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताई और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताई। अब जरा हमने आपके सामने पहले देखा क्या आधार है कि अब असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में कांग्रेस सामने आ रही। अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भले ही असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी। परफेक्टली व्हाट एवर ही सेड इज एग्जैक्टली राइट। जो फिरोज खान हैज टोल्ड दैट यू नो कांग्रेस एंड AMIM हैव बोथ गॉन टुगेदर इन दिस इलेक्शन, ही इज एब्सोल्युटली राइट। दे हैव गॉन टुगेदर, इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। आई एम सरप्राइज्ड। Is this a fair elections? We always expect two parties to have their own two different representatives and the fight has to be between all of us. Either you become two together and deploy one person. So basically you are saying that, openly you are giving an opportunity and declaring that AMIM is going to use Congress power this time unofficially, illegally to get his votes and do whatever he wants to do in the elections. And we are going to ensure that this wouldn't happen. Now, this is going to be one answer to two people and two parties. One for AMIM and for Congress. Madhvi Lata, who is the Bharatiya Janata Party, has said that now the government is taking the help of the government in Hyderabad, Asaduddin Owaisi and Congress Party are going to get this seat and they want to make sure that Asaduddin Owaisi will be the president of Hyderabad. लेकिन ये सवाल मैं आपके सामने फिर रखना चाहता हूँ। हैदराबाद के पूरे इलाके में, कहीं पर भी आप उस पूरे संसदीय क्षेत्र में जाएं, असदुद्दीन ओवैसी की एक अलग अपनी पहचान है। हैदराबाद में जब भी फ्लडिंग हुई या इस तरह की त्रासदी आई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर खड़ी रही, लोगों की मदद करती रही, जन समर्थन काफी है। ऐसा क्या हुआ है आज हैदराबाद में जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ आए? क्या ओवैसी साहब को अपनी जीत का भरोसा नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी को अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने की आवश्यकता आन पड़ी है? मैं यह बात कांग्रेस पार्टी के बारे में क्यों कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पर जिस पार्टी को आप कहते रहे कि वो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, उस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ कांग्रेस ने क्या साबित किया? ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस की एक नई सोच आ रही है। यह सोच शायद केरल की राजनीति से कहीं ज्यादा प्रभावित होती है और वो इसलिए क्योंकि केरल में अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि दल या राजनीतिक पार्टियों से सहयोग ना करें तो वहां पर आप जीत नहीं सकते। और आज वहां पर UDF जो गठबंधन है जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वहां पर मुस्लिम पार्टियों के साथ अच्छा खासा गठबंधन है जो कि सालों से चलता चला आ रहा है। अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी इसी को अंजाम देती दिख रही है, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के आधार पर वोट बटोरने वाली छोटी छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर अल्पसंख्यक राजनीति और तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। केरल में कांग्रेस की सहयोगी IUML है जो कि कट्टर इस्लामिक संगठन के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करती है और एक पार्टी के तौर पर भी। केरल में हालांकि PFI ने जो संगठन उसकी जो राजनीतिक शाखा है SDPFI, उसने समर्थन की बात कही थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने उसे
परोक्ष तौर पर स्वीकार कर दिया। ऐसा लगता है कि अपरोक्ष तौर पर पीएफआई के राजनीतिक संगठन से भी शायद कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बंगाल में भी कांग्रेस ने यही किया था। 2019 के चुनाव को अगर आप भूले नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के मौलवी के संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया था। यहां तक कि असम में भी AIUDF के साथ कांग्रेस का गठबंधन हमेशा रहा ताकि वो वहां पर अपनी सरकार बना सके। अब जबकि AIUDF के परमवीर अजमल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की स्थिति वहां और ज्यादा खराब होती हुई असम में दिखाई दे रही है। अपने आप को हमेशा सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी जब अल्पसंख्यक इस्लामिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक दलों से हाथ मिलाती है तो क्या वो वाकई में सेक्युलर रह जाती है? असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर समझौता करने का क्या मतलब है? इस गुपचुप बिना किसी जानकारी के बिना किसी पब्लिक ऐलान के समझौते का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है सांप्रदायिक राजनीति को पूरे तरीके से इस्तेमाल करके कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है और क्या ये उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर एक तमगा है या एक दाग?